हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर। सो और एक नया नोटिफिकेशन आया है IDBI के रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस साल का ये तीसरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है IDBI का। ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, 600 वैकेंसीज है, लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के थ्रू ये आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्प्लीट होने वाला है। तो इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं अगले कुछ मिनटों में। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। लेट्स कम टू द एक्चुअल डिटेल्स। तो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, 600 वैकेंसीज है। एज लिमिट क्या है? तो एलिजिबल एज लिमिट है 21 टू 28 ईयर्स एज ऑन 1 जून। तो 1 जून 2019 को आपका 21 साल पूरा हुआ होना चाहिए, 28 साल से आपका उम्र कम होना चाहिए। फॉर OBC देर इज़ अ एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स एंड SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये एज लिमिट रहेगा। और फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है 5 से 10 साल तक का एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट एनी बैचलर्स डिग्री इज़ फाइन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। इनफैक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दिया है रिसेंटली लेकिन रिजल्ट अभी भी आना बाकी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स कम टू द एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल्स की बात करें तो जैसे नॉर्मली IBPS के बाकी के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन रहते हैं, वैसे ही आपको आपका फोटोग्राफ स्कैन करना पड़ेगा, दीज आर द रिक्वायर्ड साइज, और आपको सिग्नेचर स्कैन भी रेडी रखना पड़ेगा अपलोड करने के लिए। तो ये दो बातें एज यूजुअल ये आपके पास हमेशा रेडी रखो, ये सारे ऑलमोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन में आज के दिन में रिक्वायरमेंट होता ही है। नेक्स्ट एप्लीकेशन डिटेल्स में दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी शेयर किया है, और हमारा जो ब्लॉग है जिसमें हमने सारे डिटेल्स वहाँ पर मेंशन किए, वो ब्लॉग भी हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर किया है। जो एप्लीकेशन फीस है वो 700 रुपीज़ है फॉर रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए या हैंडीकैप लोगों के लिए। ये 150 रुपीज़ का एप्लीकेशन कॉस्ट रहेगा, और एप्लीकेशन का मोड एक ही है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करके ये फीस पे करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23 जून को, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 जुलाई, और जो आपका एग्ज़ाम है टेंटेटिवली वो 21 जुलाई को होने वाला है। तो इनफैक्ट एक महीने का भी वक्त आपके पास एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन इससे पहले SBI या कोई एग्ज़ाम से अगर आप कर रहे हो तो शायद आपके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते, तो एक ही एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर, ऑनलाइन टेस्ट जो है जस्ट लाइक द मेन्स एग्ज़ाम। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है, दीज आर द 4 सेक्शन, देर इज़ नो सेक्शनल टाइम लिमिट मेंशन ओवर हियर। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा। देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, अगर आपका आंसर गलत जा रहा है तो 1/4 या 0.25 नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल रहेगा। तो जैसे नॉर्मल बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, और ये एक ही एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जो IBPS का मेंस एग्ज़ाम होता है थोड़ा उसके लेवल पे ये डिज़ाइंड है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हो तो उसके जो भी सेक्शनल कट ऑफ्स रहेंगे और ओवरऑल कट ऑफ रहेंगे वो अगर आप क्लियर कर रहे हो, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो वो जो भी मिनिमम कट ऑफ रहेगा हर एक सेक्शन का और ओवरऑल स्कोर का और कास्ट वाइज व्हाटएवर, ये बैंक डिसाइड करेगा। तो ये सारे कट ऑफ्स पहले डिसाइड नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्राउड द सेक्शनल कट ऑफ एंड द ओवरऑल कट ऑफ्स विल बी डिसाइडेड। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू का जो कंबाइंड स्कोर रहेगा, उस कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल जो उनका प्रोसेस है उसमें एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, तो वो भी आपका कंडक्ट होगा। सो 99% चांसेस वहाँ पर उसमें तो कोई रिजेक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम सीरियस इशू, बट अदरवाइज दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस यू हैव। नाउ लेट्स कम टू द प्रोग्राम डिटेल। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स आपको मिलेगा। ये 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, तो उसकी सारी डिटेल्स जो भी हैं वो देख लेते हैं। तो ये 1 साल का डिप्लोमा है आपको मिलेगा बैंकिंग और फिनांस का, जिसमें फीस आपको जो पे करना है ये 350,000 फीस है प्लस टैक्सेस। टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके ये फीस आराम से 4 लाख के ऊपर चला जाएगा।
तो आइदर आपके पास ये फीस का अरेंजमेंट मौजूद होना चाहिए या फिर आप एजुकेशनल लोन का जो फैसिलिटी है जो आपको आईडीबीआई बैंक खुद प्रोवाइड कर रहा है वो भी फैसिलिटी ले सकते हो, तो आप लोन लेके ये फीस पे कर सकते हो। सो इन केस अगर आपके पास पैसा अभी इतना नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास या सबके पास इतना पैसा लास्ट मोमेंट पे अवेलेबल नहीं होता, यू कैन गो फॉर द लोन फैसिलिटी। और ये लोन जैसे आपको जॉब मिलेगा तभी आपका लोन रीपेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टाइपेंड जो है, तो ड्यूरिंग जो आपका एक साल का डिप्लोमा है उसमें पहले 9 महीने तक आपको 2,500 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, और जिसको इंटर्नशिप कहते हैं जो 3 महीने का, ये एक्चुअल आप बैंक में काम करना स्टार्ट करते हो तब ये 10,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है इन द लास्ट 3 मंथ्स। सो दिस इज व्हाट दे विल बी पेइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। नाउ एक बात मैं यहाँ पर वापस क्लियर कर रहा हूँ, जो भी 600 कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये सारे कैंडिडेट्स को ऑलमोस्ट 99% आपको आईडीबीआई में प्लेसमेंट आपको मिल चुका है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो और उसके बाद में कुछ पता नहीं, तो वंस यू आर सिलेक्टेड फॉर दो 600 सीट्स आपका जॉब आईडीबीआई में फिक्स है, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं कि आगे जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में क्या है। वंस योर कोर्स इज कंप्लीटेड तो यू विल बी गेटिंग पोस्टेड इनटू आईडीबीआई बैंक इन एनी ऑफ द ब्रांच और मे बी इन देयर हेडक्वार्टर आल्सो। तो वहाँ पर ये आपको सबसे पहला आपको 3 साल का एक अग्रीमेंट, एक सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा फॉर द अमाउंट ऑफ 2 लाख। अभी ये है क्या, मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको 2 लाख पे नहीं करना है बैंक को, ये 2 लाख का आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना है। इसका मतलब होता है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद 3 साल तक आपको आईडीबीआई में सर्विस करना ज़रूरी रहेगा, यू कैन नॉट लीव द जॉब। और अगर आप 3 साल कंप्लीट किए बिना अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो आईडीबीआई को आपको एज अ पेनल्टी या उन्होंने आपके ऊपर जो भी कॉस्ट उनका गया है एज अ कॉस्ट यू हैव टू पे दिस ₹2 लाख। दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट सैलरी कितना मिलेगा, वंस यू आर पोस्टेड मतलब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद, एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद एज यू आर पोस्टेड इन आईडीबीआई, बेसिक पे जो है वो 23,700 है, टोटल जो पेमेंट है वो लगभग 40,000 क्रॉस करने वाला है, ठीक है। And if you are looking for study material or online test practice for this exam preparation, तो हमने हमारा link इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ तो आप इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Stay tuned for more updates. Welcome again with some more information. तब तक के लिए bye bye.